गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारी बैटल है वो है बैटल ऑफ चंदेरी। तो बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो बाबर की तीसरी बैटल थी। इससे पहले बाबर जो है वो दो बैटल लड़ चुके हैं, बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा। इन दोनों ही बैटल्स में हम देखते हैं कि बाबर जो है वो जीत जाते हैं। अब बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने किसको हराया था? बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने हराया था राणा सांगा को। अब राणा सांगा के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे जिनका नाम था मेदेनी राव। ये जो है ये बच गए थे। तो बाबर जो नेक्स्ट बैटल लड़ेंगे वो मेदेनी राव के खिलाफ ही लड़ेंगे, क्योंकि अगली बार क्या करते ये भी राणा सांगा की तरह बड़े बड़े अलायंस बनाकर हो सकता है कि बाबर से लड़ने चले जाते। तो बाबर ने इस चीज का मौका ही नहीं दिया और सीधे पहुंच गए बाबर खानवा के बाद कहां पर? चंदेरी में। चंदेरी कहां पर है? चंदेरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये बैटल ऑफ चंदेरी कब हुई थी? बैटल ऑफ खानवा के एक साल के बाद। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ है? 1527 में। बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी 29 जनवरी 1528 में ये बैटल हुई थी, ठीक है। अब बाबर जो है ये पहुंच जाएंगे कहां पर? बाबर पहुंच जाएंगे आपके चंदेरी में। अब चंदेरी जाके बाबर को लगेगा बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा शौक। क्या लगेगा शौक? कि देखिए ये जो किला जो था मेदेनी राव का जो किला था, फोर्ट था, वो सारा ये जो फोर्ट था आपका, ये फोर्ट समझ लीजिए मैंने फोर्ट ही बनाया है, ठीक है। तो ये जो फोर्ट था ये किससे घिरा हुआ था? ये फोर्ट जो था ये ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे यहाँ पर माउंटेन्स थे। तो जब बाबर की आर्मी पहुंची, ठीक है, तो बाबर की जब आर्मी पहुंची तो बाबर की आर्मी तो बहुत शॉक्ड हो गई कि हम अंदर कैसे जाएं, फोर्ट के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ थे। तो बाबर ने कहा कि देखिए दो ही रास्ते थे बाबर के पास, या तो ये काफी लंबा एक रास्ता था घूम कर वहां से जाए, या फिर ये पहाड़ों के ऊपर से जाए, ठीक है। पर दोनों ही रास्ते बाबर नहीं अपना सकता था। क्यों? दूर से जा नहीं सकता था, क्योंकि बाबर के खिलाफ जब बाबर चंदेरी आया तो जो अफगान्स थे, ठीक है, जो बाबर के दूसरे दुश्मन है अफगान जो है, वो कन्नौज वाला, अवध वाला, लखनऊ वाला एरिया जो है वो कब्जा करने लगे थे उन पर। तो बाबर को पता था कि मुझे यहां से चंदेरी से सीधा उनसे भी लड़ने जाना है, यहां इतने दिन लग गए तो पता चलेगा आगरा दिल्ली सब पर अपना कब्जा करके बैठे और मुझे और मुश्किल हो जाएगी उन्हें हराने में, तो ये जल्द से जल्द ये वॉर खत्म करनी थी। तो बाबर ने अब दूसरा रास्ता ऊपर से जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि बाबर के पास आर्टिलरी थी, तोपे थी, तोपे कैसे चढ़ाता? तो बाबर ने कहा, बाबर ने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि ये पॉसिबल है नहीं है, बाबर ने कहा कि पहाड़ को काट दो। तो बाबर की जो आर्मी थी वो उसने पूरी रात पहाड़ काट के ये घुस गई आपके कहां पर, ये घुस गई आपकी कहां पर, आपकी आर्मी आ गई फोर्ट के मेन दरवाजे के पास। अब जो आपके मेदेनी राव थे उनको तो बड़ा मतलब हैरान हुए वो कि ऐसे कैसे एक रात में इन्होंने पहाड़ काट दिया और ये आज हमारे फोर्ट के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। मेदेनी राव तो ये सोच रहे थे कि इनको टाइम लगेगा आने में, घूम कर ही आएंगे, ठीक है। अब यहां पर जो है इनकी जो आर्मी थी, बाबर की जो आर्मी थी, ये क्या करती है? चारों तरफ से फोर्ट को घेर लेती है और इनके बीच में, मेदेनी राव के बीच में और बाबर के बीच के आर्मी के बीच में हो जाती है लड़ाई स्टार्ट, बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों पक्ष जो हैं वो पूरी मेहनत से लड़ते हैं, पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि मेदेनी राव की आर्मी को जो है लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो यहाँ की जो चंदेरी की जो औरतें थी, ठीक है, मतलब मेदेनी राव की जो फैमिली की जो औरतें थी और जो राजपूत फैमिली की औरतें थी, उन्होंने जौहर सेरेमनी परफॉर्म कर ली। जौहर क्या होता है कि मतलब किसी के कैप्चर से बचने के लिए, ठीक है, जब कोई जब मतलब किसी भी कैप्चर से बचने के लिए जब अपना सेल्फ इमिलेशन कर देना, अपने आप को जला देना, अपने आप को मार देना, खत्म कर देना, ताकि उस कैप्चर से बच सके अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो इसको जौहर कहते हैं। तो जौहर जो है इस बैटल में परफॉर्म किया गया, जो राजपूत बच्चे थे, जो राजपूत लड़कियां थी, उन्होंने जौहर परफॉर्म कर दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मेदेनी राव भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, पर मेदेनी राव जो है वो हार जाते हैं, क्योंकि जो कुछ बाबर की जो स्ट्रैटेजीज थी जो अपने बैटल ऑफ पानीपत में कवर करी है वो आप देखिएगा, उन्हीं स्ट्रैटेजीज से यहाँ पर बाबर लड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अहमद शाह कौन थे? अहमद शाह जो है वो रॉयल फैमिली के थे, मालवा के, ठीक है। तो बाबर जो है इनको चंदेरी का किला सौंप देंगे कि तुम इसको संभालो, हम इतने अफगानों को हरा कर आते हैं। जब बाबर चंदेरी पहुंचे थे और इन्होंने ये पहाड़ काट के जब ये सामने पहुंचे तो इन्होंने मैसेज पहुंचवाया किसने? बाबर ने मेदेनी राव को कि देखिए ऐसा है कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, आप ये किला छोड़ दीजिए, इसके बदले में हम आपको
कौन सा किला दे देंगे इसके बदले में आपको? शमशाबाद। सरेंडर कर दीजिए, इसके बदले में हम आपको, ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, इसके बदले हम आपको शमशाबाद का फोर्ट दे देंगे। आप शमशाबाद का फोर्ट ले लीजिए और हमें चंदेरी का फोर्ट दे दीजिए। चंदेरी इतना इम्पोर्टेंट क्योंकि चंदेरी से डायरेक्ट रूट पड़ता था बंगाल का, ठीक है, बंगाल को भी जीतने का इरादा था बाबर का, बंगाल का, अवध का, लखनऊ का, बिहार का, तो यहाँ से जो है बाबर को रूट आसानी पड़ता, ठीक है। तो बाबर ने इनको ये मैसेज पहुंचवाया पर इन्होंने मानने से, मदेनी राव ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम लड़ेंगे पर हम सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये एंड हो जाती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है खूनी दरवाजे का। खूनी दरवाजा क्या था? ये खूनी दरवाजा जब बाबर ने मेन गेट खोला चंदेरी के किले का, जब मेन गेट खोला बाबर ने तो उसने देखा, ऐसा लग रहा था कि जो खून की नदी बह रही है, तो उसको देखते हुए बाबर ने इस दरवाजे का नाम क्या रखा? खूनी दरवाजा रखा। तो बाबर ने इसका नाम रखा था खूनी दरवाजा और आज तक इसी नाम से फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ चंदेरी एंड हो जाती है। अब बाबर, वैसे तो बाबर का इरादा क्या था? बाबर का इरादा ये था कि वो चंदेरी को जीतते हुए चित्तौड़ जाएंगे, अभी और राजपूत से इनको इनको मतलब अभी और राजपूत को हराना था। पर इसका उल्टा जो अफगान थे वो क्या कर रहे थे, जब ये चंदेरी में विजय थे तो ये जो मुगल टेरिटरीज थी कुछ उस पर हमला करके अपना कब्जा बना रहे थे। तो अब बाबर सीधा कहाँ जाएंगे? बाबर चंदेरी से सीधा पहुंचेंगे, कहाँ पर? चंदेरी से सीधा पहुंचेंगे घाघरा,